Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. On my feet, another cup of coffee and me. That's what I need, my eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay. ऑलराइट गाइस, तो गाइस कल हम दूधिया गए थे और मिर्क गए थे, जो पूरा आपने ब्लॉग देखा। उसके बाद हम इवनिंग तक वापस नीचे आ गए थे, वापस बाग डोगरा आ गए थे अपने दोनों होस्ट के साथ। और अभी मैं उनके घर पे हूँ और आज है 26 सितंबर। और अभी हम लंच के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ी हेल्प कराता हूँ इनकी। तो जब भी कोई होस्ट करता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ आपको मतलब बनाए बनाए मिलता है। आपका भी एक रोल होता है कि आप उनको हेल्प करो उनके काम के अंदर, या उनको कोई पेंडिंग काम है छोटा मोटा, तो ये सब कुछ होता है। तो लहसुन तो मैंने खुद छोल दिया, और ये प्याज काटना है, आलू उन्होंने काट दिए और टमाटर अभी कट हो रहे हैं। आलू की सब्ज़ी बन रही है अभी और रोटी बनाएंगे थोड़ी देर में, तो और कुछ हेल्प होती वो मैं करने वाला हूँ। Internal, so they compensate with everything external. Not trying to throw shade, no way. I'm just trying to find a meaning of life. Hey, there's happiness if you try to live the right way. Forget about what others have and live your life. Hey, be aware of. ओके, तो गाइस प्याज मैंने काट दिया और लहसुन भी रेडी कर दिया था, इन्होंने आलू काटा था और टमाटर और आटा उन्होंने रेडी कर दिया है। और अभी एक चीज़ की कमी है, आपको दिख रहा होगा मिर्ची नहीं है, तो मिर्ची अभी मैं लेके कट कर दूंगा, तो फिर पूरा आलू का जो है दाना वाला स्टप पूरा रेडी हो जाएगा। ओके, तो गाइस इसमें हमने मिर्ची कट करके और ऐड कर दिया आलू सब्जी बनाने के लिए, और रोटी के लिए इन्होंने गोले बना दिए, तो सब रेडी है। बस सब्जी बनाना बाकी है और रोटी बनाना बाकी है, प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है, डन। ओके, तो गाइस अब चलते हैं किचन एरिया में और बनाते हैं आलू की सब्जी और रोटी। तो बेसिकली ये किचन है इनका, ये गैस है, इसमें बनेगी सब्जी और ये सब रेडी है जैसा आपने देखा पहले। और ये इनका रूम है, मैं दूसरे अपार्टमेंट में था पास वाले में, अब मैं इधर आ गया इस साइड, तो देख सकते हो। पहले सब्जी बना रहा हूँ, पहले सब्जी बनाएंगे। और माता जी की मूर्ति भी है, बेस्ट जगह है किचन में लगाने का। ओके, तो मसाले निकाल रहे हैं। ओके, तो गैस चालू कर दिया, सबसे पहले डालते हैं ऑयल। तो दो लोगों के लिए कितना स्पून जाएगा इसमें? छह। ओके, तो ये इतनी सब्जी के लिए 6 स्पून ये वाले ऑयल के जाएंगे कढ़ाई में। ओके, तो ऑयल गर्म होने का वेट कर रहे हैं, फिर जीरा डालेंगे ताकि कंफर्म हो जाए ऑयल पूरा आ गया। मुझे बिल्कुल भी खाना बनाने नहीं आता है बिल्कुल भी, तो मैं सीख रहा हूँ। मैंने आपने देखा होगा कि वाराणसी में भी वो जो MP के लड़के थे वो भी बना रहे थे, तो मैं भी वहाँ पे भी किचन में घुस गया था, वहाँ भी सीख रहा था। उन्होंने दाल राइस बनाया था वहाँ पे, तो यहाँ आज आलू की सब्जी बन रही है, तो ये डिफरेंट है थोड़ा। तो अभी जीरा डाला है और जीरा बॉइल हो गया है। सबसे पहले तो लहसुन और हाँ, ये दोनों में से भी करते हैं थोड़ा ऐसा, मैं सब अपने आप हो जाएगा मैं से। ओके, फिर अपन मिर्च डाल सकते हैं, फिर प्याज देगा, टमाटर हमेशा सबसे लास्ट में गिरता है, ये मेरे को पता चला था। पहले डाल दोगे क्योंकि टमाटर इतना सॉफ्ट होता है कि वो अगर पहले डालेंगे अपन तो वो ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा पूरा। बिल्कुल स्मेल भी आने लगी है। और अभी प्याज डाल दें, फिर थोड़ा इनको मैसेज करेंगे, सबको मिक्स कर जाते थे। तो
से डाल देंगे। अच्छी स्मेल आनी स्टार्ट हो गई है मसाले एकदम सही पड़ा सब कुछ। अभी थोड़े टाइम बाद में मिर्च मसाला और ये सब भी गिरेगा। अभी प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। हाँ हल्का सा ब्राउन हो जाए मतलब वो अच्छे से हो गया फ्राई हो गया अंदर। ओके मैं चीज़ डाल रहे हैं अभी आलू। सबको एक साथ मिक्स करेंगे पूरा एकदम अच्छे से। बहुत टाइम हो गया मेरे को वैसे अपने दोस्त के भी सारी आलू खाए हुए आज फाइनली बन रहे हैं। देख सकते हो अभी मसाला ऐड करेंगे हम और ये सबसे पहले डाल रहे हैं हल्दी। हल्दी डाल दिया एक मिनी स्पून एक और डाल दें। ये धनिया पाउडर डाल रहे हैं दो स्पून धनिया पाउडर भी डाल दिया और लास्ट बाकी रह गया अपने चिल्ली मिर्ची आधा चम्मच। हाँ मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग आपको स्पाइसी खाना है या आपको नॉर्मल। वैसे राजस्थान वाले लोग थोड़ा हल्का सा स्पाइसी खाते हैं। पूरा एकदम मसाले को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो अभी ऐड कर रहे हैं नमक ऐड कर रहे हैं वो आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। ग्रेवी करने के लिए पानी डाल ग्रेवी करने के लिए पानी डाल सकते हैं। अगर आपको फ्राई पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं पानी। तो पानी डाल दें ताकि थोड़ा ग्रेवी रहे खाने में इजी रहे। उसमें टमाटर डाल देंगे। ओके तो अभी लास्ट जो हमेशा लास्ट में गिरता है टमाटर उसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। और देख सकते हो लुक्स बहुत गुड है एकदम सब्जी का काफ़ी अच्छा लग रहा है एकदम बहुत सही लग रहा है बहुत। मुंह में पानी आ रहा है अभी से बट रोटी बनाना अभी बाकी है तो इस पर कवर लगा दिया तो थोड़ा भाप से जल्दी सीख जाएगा और कच्चे नहीं रहेंगे आलू बिल्कुल भी। तो ये प्रोसेस है और दूसरी साइड दूसरे वाले गैस पे हम रोटी का प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं ट्राई करूँगा एक दो बनाने की मेरे को पता है मैं अच्छा बना नहीं पाऊँगा बट मैं ट्राई करता हूँ रोटी बनाने का। Take a step forward, see where your foot's at. Stand tall, stand proud, talk loud. Every word out your mouth has purpose now. You just gotta get rid of the bad thoughts. Hating others cause you know that they gotta lie. Forget that though, you got plenty. You're alive in this life, you got time, go get it. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing, did I do it right, yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light, oh. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light, oh. ओके तो मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं रोटी इतना अच्छे से राउंड बना नहीं सकता मतलब टेढ़ी मेढ़ी बनेगी पूरी और आटा लगाना अभी भी यह नहीं आता मेरे को। काफ़ी लोगों को खाना बनाना आता है बट मैं अभी तक सीख नहीं पाया बट अब मैं सीख रहा हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बहुत जल्दी खाना बनाना सीखूँगा बेसिकली अपने लिए बना सकूँ इतना सीखना है ताकि कभी भी फ्यूचर में काम पड़े तो आना चाहिए खाना बनाना बहुत नेसेसरी आज के टाइम। ओके तो गाइस रोटी सारी रेडी हो गई है और वो रही सब्जी इस पे बटर लगाना है वो लगा देता हूँ मैं।
ओके, तो सारी रोटियों के मैंने बटर लगा के इसमें डाल दिया है, थाली रेडी है और सब्जी वो पड़ी वहाँ पे। और सर लेने गए दही ताकि अच्छे से खा सके एकदम। तो सब कुछ बढ़िया अच्छे से बन गया है, अभी खा के टेस्ट करके मैं बताऊंगा कि कैसा है टेस्ट। आई होप अच्छा होगा क्योंकि सर भी जोधपुर से है और मैं भी जोधपुर से हूँ, तो टेस्ट थोड़ा सिमिलर है। तो अभी टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा टेस्ट बना आज रोटी सब्जी का। ओके, तो खाना पूरा प्लेट में सर्व कर दिया, खा के मिलता हूँ मैं कि कैसा टेस्ट है। ऑल राइट गाइज, तो गाइज लंच कर लिया बहुत अच्छे से और ऐसा लगा जैसे खाना घर से ही आया है, मतलब कि वो वाला टेस्ट मिला अपना घर जैसा, तो काफ़ी अच्छा लगा। इतना टाइम बाद में वो वाला फील से खाया। Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah. Oh no way. I ain't gonna stand for this today. I'ma keep my head down. I'm okay. I don't wanna. ऑलरेडी गाइज, तो गाइज टैक्सी में मेरे को साइन मिले और मैं अभी और मैं अभी जा रहा हूँ हांगकॉन्ग मार्केट। आज हांगकॉन्ग मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, तो ये मिले हैं, इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू, बाय। ओके गाइज, मैं आया हूँ सिलीगुड़ी के हांगकॉन्ग मार्केट में और मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, थोड़ा दिखाऊँगा आपको कि हांगकॉन्ग मार्केट कैसा है सिलीगुड़ी का। तो चलते हैं, मेरे पीछे पूरा मार्केट है, लेट्स गो। Out. If I got a voice, they gon' hear me shout. I can make my own choice and we've all got a mouth. I'ma make noise, yeah, that I don't doubt. I don't feel failure, not yet. Mistakes they make you better, don't regret. And like Drake said, man, I'm upset. Too many people out here wasting their breath, yeah, yeah. And still I feel like we've just all been going crazy. Too many people need to find themselves some safety. Just take control of your life, it's all day to day, yeah. Don't need nobody else, myself can always say. Sometimes I struggle in this place, man. All right guys, तो गाइज ये है सिलीगुड़ी का हांगकॉन्ग मार्केट, देख सकते हो ये गेट नंबर एक है और काफ़ी भीड़ भाड़ है, अंदर जा सकते हो, तीन चार गेट है, उस साइड से भी जा सकते हो, काफ़ी लोग आए हुए हैं देख सकते हो। आप काफ़ी शॉपिंग कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सब कुछ मिलेगा आपको हांगकॉन्ग मार्केट में, तो देख सकते हो। अच्छा सेल हो रहा है, कैसा ठीक चल रहा है, नहीं हो रहा है क्या, मतलब लोग कम आ रहे हैं अभी, लोग अभी लोग कमती आता है, बाहर से भी हम लोग तो बाहर से। अच्छा अच्छा, गैंगटॉक ठीक है, दार्जिलिंग से अभी लोग आता नहीं। अच्छा अच्छा, गैंगटॉक वाले नहीं आ रहे अभी, आते ही नहीं है। अच्छा अच्छा, इसीलिए मार्केट सब लोग कोविड की वजह से नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, गाड़ी भाड़ा एकदम भर गया। अच्छा, जो पहले 150 था अभी तो 400 हो गया। अच्छा अच्छा, इसीलिए। अच्छा, गाड़ी वालों का प्राइस बढ़ गया। हाँ, और फ्यूल का। हाँ, इसलिए आता नहीं। अच्छा, बाकी मतलब ठीक, टाइम पास हो रहा है अभी। अभी टाइम पास कर रहा है, कहते बिक्री बढ़ते नहीं है मालूम। समोसा का दुकान है। अच्छा, बहुत सेलिंग है, बहुत सेलिंग है, बाप दूर दूर से आदमी आता है ये समोसा खाने। अच्छा, इतना फेमस है, इतना फेमस। ओके, तो सब लाइन से स्टॉल है यहाँ पे, पीछे फुटवेयर की थी सब एक साथ, और यहाँ पे माला की है, पूजा की आरती के सारा सामान यहाँ मिलता है, देख सकते हो। यहाँ एक सिस्टम मेरे को अच्छा लगा कि लाइन से सारी स्टॉल है, चार फुटवेयर की, चार पूजा की, चार पर्दों की मेरे पीछे देख सकते हो, तो ये अच्छा रहता है, कस्टमर को कोई ऑप्शन मिलता है आसपास ही उसको आराम से शॉपिंग करने के लिए, अगर एक साइड में पसंद नहीं आया दूसरी साइड चले गए, मतलब दूसरी शॉप ढूंढने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता है, ये काफ़ी बेस्ट है, अच्छा लग रहा है। यहाँ भीड़ भाड़ थोड़ा कम है, थोड़ा साइड में पड़ता है ये मार्केट, और इवनिंग हो गई है तो वेदर भी चिल हो गया, थोड़ा ज़्यादा गर्मी नहीं है, ये यूट्यूब कर रहा हूँ। आसाम है। अच्छा, डुआर्स का है। अच्छा जी, ये तो यहाँ गई आपको डिफरेंट डिफरेंट की चाय मिलेगी, चाय है, मिल्क, ये ब्लैक टी है, ग्रीन टी है। अच्छा,
ये दूरस की है, ये आसाम की, ये भी आसाम की। जो डुअर्स का है वो सिलीगुड़ी का है। अच्छा, वो ये दूरस ये सिलीगुड़ी की है। हाँ हाँ, ओके। और आसाम की ये अलग है। आसाम का ये हो गया और दार्जिलिंग का ये हो गया। अच्छा, ये दार्जिलिंग क्या डिफरेंस है सारी चाय में? इसमें क्या है, दार्जिलिंग चाय में क्या होता है, आपका स्मेल के लिए ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। और जो असम का चाय है वो लिकर चाय। अच्छा, जो मिल्क टी आप पीते हैं। हाँ, मिल्क टी। हाँ, वो असम का चाय है। असम का चाय से होता है। ओके, वो इंडिया में सप्लाई होता है। वो इंडिया में भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। अच्छा, एक्सपोर्ट भी होता है। हाँ। और फॉरेन कौन सी चाय ज्यादा जाती है? ज्यादा जाती है आपका दार्जिलिंग। अच्छा, दार्जिलिंग वाली ज्यादा है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी ज्यादा है उसका। ओके, तो इन्होंने थोड़ा बता दिया। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, मेरे को भी ये आइडिया था कि दार्जिलिंग वाली ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। वही ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। बिल्कुल, दार्जिलिंग का जो व्हाइट टी होता है वो भी ज्यादा बहुत। अच्छा, व्हाइट टी। ओके, सिल्वर तो नॉर्मली इनका यहाँ क्या क्या प्राइस पड़ता है, जैसे दार्जिलिंग वाली का क्या रेट है? दार्जिलिंग का नॉर्मल प्राइस आपका 500 से स्टार्टिंग है। 500 है, इतनी 500 से आपका इस मार्केट में, सिलीगुड़ी मार्केट में 3,000 रुपए तक। अच्छा, सेल होता है 500 से स्टार्ट हो गए 3,000 तक। वो क्वालिटी डिफरेंट है, डिफरेंट क्वालिटी। आप चीप लेना चाहो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का। ओके, तो ये देख सकते हो, ये भर रहे हैं। ये आसाम की, ये आसाम की है। किसी के लिए पैक कर रहे हो? ये आसाम की है जो अपन लोग पीते हैं। हाँ, मिल्क टी। मिल्क टी। हाँ, ओके। तो थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया मेरे को, थैंक यू सो मच। आपके शॉप का क्या नाम है? पॉल टी। ओके, पॉल टी है। और जब भी आप सिलीगुड़ी आओ, इनका शॉप है मार्केट के, हांगकॉन्ग मार्केट के जस्ट पास में। हाँ, तो बिल्कुल इनसे विजिट कीजिए, आपको अच्छी रीजनेबल प्राइस। ओके, और बढ़िया क्वालिटी। ओके, अपने शॉप का नाम और एड्रेस अपने अंदाज में। शॉप का नाम है पल्टी हाउस। ओके, और विधान मार्केट में हमारा शॉप है। ओके, आप आइए, कोई भी सहायता चाहिए आपको या चाय चाहिए, दोनों हम लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, नाइस। जब आप लोकल लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उनसे बात करोगे, आगे से अप्रोच करोगे, तो आपको नॉलेज मिलेगा, सब कुछ जानकारी भी मिलेगी और लोकल चीज़ें मालूम पड़ेगा, प्राइस वाइज सब कुछ। अगर आप देख के चले जाओगे तो कुछ आइडिया नहीं होगा आपको, तो हमेशा पूछो अपने और से, थोड़ा एफर्ट करो बात करने का, ताकि वो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा और आपको आइडिया हो जाएगा। तो बस मैंने पूछा और उन्होंने बहुत कुछ बता दिया मेरे को। जैसा कि मैंने बोला, सब कुछ आपको कंटिन्यू मिलेगी, सारे स्टॉल यहाँ पे, सारी वॉच की स्टॉल एक साथ, चार पांच एक साथ लोग बेच रहे हैं, तो ये बेस्ट क्वालिटी है। और यहाँ देख सकते हो, तो लेडीज़ का ये एक्सेसरीज, ये भी सब लाइन से बिक रहा है। ओके, तो गाइस अभी जिस गली में वहाँ पे सब कुछ आपको, सब्जी फ्रूट और ये सब कुछ मिलेगा घर के लिए, तो पूरा गली ये वही है, इसमें सब्जी के स्टॉल लगे हुए छोटे छोटे, और यहाँ की लोकल सब्जी, यहाँ के लोकल फूड, ये सब कुछ मिलेगा आपको, तो देख सकते हो। दूर तक वहाँ तक सब सब्जी के स्टॉल लगे हैं छोटे छोटे, ये रोड के पास में, तो लोग जिनको यहाँ सब्जी खरीदनी होती है, ये मार्केट है, आप सब्जी मंडी बोल सकते हो उसको, तो पूरा दूर तक सारी सब्जी बिक रही है। कुछ बताइए इस मंडी के बारे में, बताइए कुछ। बहुत हालचाल खराब है। अच्छा, हालचाल खराब है। हाँ। क्या टूरिस्ट कम आ रहे हैं, क्या है? टूरिस्ट कम आ रहा है। हाँ। लेकिन माल भी कम आ रहा है। माल भी कम आ रहा है। हाँ, ये दरबारी। और प्राइस? प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, प्राइस बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो मंडी का हाल अभी बुरा है। अच्छा, बाजार। अच्छा, खराब चल रहा है। ये वाला क्या चीज़ है? ये जो है ओल है। ओल है। हाँ। ये पहाड़ों में मिलता है? कहाँ है? पहाड़ में नहीं मिलता, इधर। अच्छा, नीचे लोकल जमीन के अंदर। हाँ, जमीन का। अच्छा, ये ओल है। अच्छा, ये ओल है। तो इसको क्या सब्जी बनता है? इसका सब्जी अच्छा, आलू भरता खाता है ना? आलू बनता है, जैसे बनता है, जैसे भरता होता है आलू का। हाँ, उसे वो। अच्छा अच्छा। और ये यहाँ की लोकल पत्ता गोभी, ये इतनी बड़ी होती है यहाँ पे? नेपाल का है। अच्छा, ये नेपाल का है। ये माल भी नेपाल से आया है? माल भी नेपाल से। अच्छा, नेपाल की यहाँ सब्जी बिक रही है? क्योंकि हमारे उधर राजस्थान में इतना इतना सा होता है, छोटा होता है। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान। हाँ, तो ये काफ़ी बड़ा है, ये तो कम से कम 1.5 kg का होगा। डेढ़ किलो का एक पीस? एक किलो, एक तो पीस का 5 kg होता है। अच्छा, एक पीस का 5 kg भी होता है? 5 kg भी होता है। कितना प्राइस क्या है इसका? प्राइस नहीं है, ये 5 kg होता है। रोग टक्का कितना है एक का? एक का ये आपको 50 रुपया किलो। अच्छा, 50 रुपीज़ का पर हेड? 5 kg। 5 kg 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ 5 kg। अच्छा, एक किलो का? एक किलो। 1 kg
अच्छा 1 kg का 50 रुपये ये वाला। Yo, all these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night, yeah. तो गाइस हांगकांग की गली से मैं बाहर आ गया हूँ। हांगकांग की जो मार्केट है, ऐसी बहुत सारी गलियाँ हैं, पूरा अंदर तक पूरा मार्केट ही मार्केट है, डिफरेंट डिफरेंट गलियाँ हैं। तो आप बहुत लंबा चौड़ा आप जितना देखना चाहो देख सकते हो, बट फिलहाल मैं यहाँ से अभी निकलने का सोच रहा हूँ। ये मेन रोड जस्ट सामने है, यहाँ से लूँगा अपने वापस होस्ट के लिए, जो मेरा होस्ट है जो है अपने बाग डोगरा है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, वहाँ के लिए मैं गाड़ी लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा अभी। तो बस हांगकांग मार्केट देखने के लिए मैं आया था। ओके तो गाइस मेन रोड पे आ गया, बहुत सारा हॉरर मच रहे हैं। हांगकांग मार्केट देख लिया मैंने, बहुत सारी गलियाँ हैं, यहाँ के लोग बहुत हॉरर मार रहे हैं। तो हांगकांग मार्केट मैंने देख लिया है, मैं हांगकांग मार्केट देखने के लिए आया था, और बहुत लंबा चौड़ा मार्केट है, बट मैंने अच्छा खासा देख लिया, बहुत सारी गलियाँ हैं और बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। तो बहुत सारी गलियाँ अंदर जाती है और डिफरेंट डिफरेंट सब है, आप शॉपिंग के लिए आ सकते हो, मोस्टली शॉपिंग के लिए फेमस है और काफ़ी सही है। हर जगह का होता है, जैसे अपने जोधपुर का घंटाघर है वैसे सिलीगुड़ी का मार्केट है हांगकांग। तो अभी वापस मैं अपने होस्ट के घर के लिए निकल जाऊंगा, यहाँ से जो 7-8 किलोमीटर दूर है, यहाँ से टैक्सी ले लूँगा, ज़्यादा चार्ज नहीं करता, 20 रुपये चार्ज करेगी और मेरे को छोड़ देगी। तो चलते हैं और देखता हूँ, अभी कुछ खाने का होगा तो मैं कुछ खाऊंगा, नहीं तो यहाँ से निकल लूँगा अभी। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो गाइस जो सिलीगुड़ी का मार्केट था, द हांगकांग मार्केट, वहाँ से मैं आ गया वापस अपने होस्ट के घर पर और अभी खाना वाना खाऊँगा। खाना मैं आया उससे पहले ही उन्होंने बना दिया, नहीं तो मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ मुझे। और खाने में आज है जोधपुर की फेमस, जोधपुर का फूड बोल सकते हो आप, जो दाल बाटी रेडी है और उसके अंदर दाल है, अभी प्याज कट हो रहा है, तो आज दाल बाटी सब कुछ मेरे टाइप का खाना मिल रहा है वहाँ का सिलीगुड़ी के अंदर। I can't think straight, need the light, I need to breathe. Get me up and out of the sheets, onto my feet. Another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on something medication. I think I need. Okay, तो guys, थाली ready हो गई है, ready to eat है, और सर लगा रहे हैं इस पे अपने बाटी के ऊपर मक्खन पूरा, देख सकते हो। Looks delicious और यम। तो खा के बताता हूँ कैसा है। ऑल राइट गाइस, तो गाइस खाना खा लिया, अच्छे से डिनर हो गया और दाल बाटी खाया और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी टेस्टी था। और मैंने नहा लिया है क्योंकि बाहर गया था, बाहर थोड़ा सफोकेशन था, गर्मी थी यार, यूनी में ठंडा हो जाता है, बट मैं गया तब तक पूरा मैं सिर्फ लग रहा था मेरे को, इसलिए मैंने नहा लिया। और यहाँ तक वीडियो देख लिए और ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।